हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काली ओम को देखते हैं, जहां उसकी डेथ हो गई थी, वहीं उसे डायरेक्टर और चेक कर रही थी। तब वो काली ओम की बॉडी में एक निशान देखती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये निशान एक पैटर्न की तरह है, इसका मतलब काली ओम सांग से है। नेक्स्ट सीन में हम मिंसो के स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ उसकी पूरी फैमिली गाड़ी में बैठे हुए थे, जहाँ यूरा मिंसो को डांट रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने के सामने किम बॉक्सो को किस क्यों किया। तब मिंसो कहती है वो किसी और लड़की को किस करने वाला था और मैं वो कैसे देख सकती थी, और ये देखकर मैं तो मर ही जाती, इसलिए मैंने उस लड़की को हटाकर खुद उसे किस कर दिया। साथ में वो लोग कहते हैं हमें किम बॉक्सो के फैमिली से मिलकर माफ़ी मांगनी होगी। तभी उन्हें किम बॉक्सो दिखता है जो अकेले जा रहा होता है। तब दोहुन गाड़ी को उसके सामने लाता है और यूरा उसे गाड़ी में उठाकर बैठा देती है। उसके बाद हम दोहुन की पूरी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां वो लोग खाना खा रहे थे। वहां किम बॉक्सो और मिंसो नहीं थी। वहीं बाहर हम उन दोनों को देखते हैं, जहां वो दोनों बात कर रहे थे, जहां किम बॉक्सो कहता है मैं घर में जाकर अपनी मॉम को सब बता दूंगा, क्योंकि मॉम बहुत परेशान हो रही है। साथ में वो मिंसो से कहता है तुम मुझे इतना लाइक क्यों करती हो। तब मिंसो हंसते हुए कहती है तुम इतने हैंडसम हो, क्या तुम्हें लाइक करने के लिए रीज़न होना चाहिए? क्या तुम चाहते हो मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगूं? लेकिन वो मैं नहीं करूंगी। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे तुम पंच करो। और वो क्यूट से अपनी आंखें बंद करके फेस आगे करती है, लेकिन किम बॉक्सो स्माइल करके उसे किस करता है। तब मिंसो शॉक होती है और वो पूछती है क्या तुम मुझे हेट नहीं करते हो? तब किम बॉक्सो कहता है मैंने तुम्हें हेट करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन कोई रीज़न नहीं है तुम्हें हेट करने का। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, वो दोनों बहुत खुश थे और उनके साथ यूरा भी थी, और वो लोग एक रूम में जाते हैं। वहीं ये कैरोके रूम था जहाँ पूरी फैमिली थी। वहीं जीहून गाना गाने वाला था, लेकिन तभी वंशे को उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जीहून को गुस्सा आता है क्योंकि वो गाना गाने वाला था लेकिन उसके डैड चले गए थे। वहीं वो कहता है मेरी मॉम नहीं चाहती थी कि डैड कभी फिर से शादी करे, और मेरी मॉम ने मेरे लिए प्रॉपर्टी भी छोड़ के गई है। लेकिन दोहुन कहता है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तब दोहुन और जीहून में इस बात के लिए फाइट होता है। वहीं मिंसो और किम बॉक्सो वहाँ गाना सुन के डांस कर रहे थे, और दोहुन और जीहून एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ हम मिंसो और दोहुन को देखते हैं। वहीं मिंसो बहुत खुश थी कि किम बॉक्सो भी उसे लाइक करने लगा है। वहीं दोहुन उसे सोने के लिए भेज देता है। उसके बाद वो उसके जर्मनी वाले फ्रेंड से बात करता है। उसके बाद हम दोहुन और यूरा को रूम में देखते हैं, जहाँ दोहुन खुश होकर यूरा के पास जाता है उसके साथ इंटीमेट होने, और वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे। तभी वहाँ मिंसो दोहुन का फुटबॉल लेकर आ जाती है, और वो दोहुन से कहती है किम बॉक्सो को फुटबॉल बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपका ये फुटबॉल उसे देना चाहती हूँ। तो दोहुन उसे कहता है तुम ये नहीं दे सकते हो। वहीं मिंसो के पास एक वॉच भी होता है और वो यूरा से उसे मांगती है। तब यूरा कहती है ये मेरी मॉम का वॉच है, तुम ये नहीं ले सकते हो। तब मिंसो उनसे नाराज हो जाती है। तब दोहुन मिंसो को मनाने के लिए उसका फुटबॉल दे देता है किम बॉक्सो को देने के लिए। वहीं मिंसो दोहुन के साथ सो जाती है, जिससे आज भी दोहुन और यूरा इंटीमेट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर ओ को देखते हैं, वो अपने बॉस के साथ बात कर रही थी। वहीं वो अपने बॉस को कुछ फोटोज भेजती है और वो कहती है इन सभी की डेथ एक जैसी ही हुई है, और इन सभी की बॉडी में एक पैटर्न भी है जिसे हमने काली ओम के बॉडी में देखा था। तब बॉस उससे पूछते हैं क्या ये सभी लोग सांसे थे? तब डायरेक्टर ओ हाँ कहती है, और डायरेक्टर और बॉस को एक आदमी का फोटो भेजकर कहती है ये आदमी अभी सांग से रिटायर्ड हुआ है, शायद नेक्स्ट इसी आदमी का डेथ हो सकता है, इसलिए हमें डोनमिक को पकड़ने के लिए इसके ऊपर नज़र रखना होगा। उसके बाद हम जियोल को देखते हैं, वो एक बिल्डिंग के अंदर होता है जहां उसने एक सेटअप लगाया था CCTV फुटेज का। तभी वहां डोहुन भी आता है। वही ये दोनों उस आदमी पर नज़र रखे हुए थे जिसकी नेक्स्ट डेथ होने वाली है।
वही ये आदमी एक बिल्डिंग के अंदर होता है और वो एक आदमी से बात कर रहा था। उसके बाद वो आदमी नीचे आता है, तब दोहन रूम से बाहर जाकर उस आदमी को देख रहा था। वहीं जियोल उस आदमी का पीछा कर रहा था। उसके बाद हम यूरा और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं दोहुन को छोड़कर। वो लोग दोहुन के मॉम के कब्रिस्तान के वहाँ उनसे मिलने गए थे। उसके बाद हम वांगशर को देखते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मिस पाक होता है। वहीं वो लोग मासाज के वहाँ थे, तभी उसे कॉल आ रहा था, लेकिन वो बार बार कॉल कट कर दे रहा था, लेकिन लास्ट में वो कॉल रिसीव करता है। वही हम मिरम को देखते हैं, वही बार बार वंशी को कॉल कर रही थी। वही वो यूरा डोहन और जीहून के साथ यूरा के कैफ़े में थी, जहां मिरम कॉल में वंशी को बताती है कि डोहन और जीहून में फिर से फाइट हो रही है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां डोहन उस आदमी के ऊपर नज़र रखा हुआ था। तभी डोहन देखता है उस आदमी की बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे उसे कुछ अजीब लगता है। तब वो जियोल को वहाँ भेजता है। उसके बाद वो भी वहाँ जाता है, जहाँ वो देखता है वहाँ के सभी लोग की डेथ हो गई थी। वहीं उस आदमी को भी किसी ने मार दिया था। वहीं वो देखता है जियोल को भी गोली लगी थी। तब जियोल उसे बताता है कि जिसने उसे मारा है वो उस तरफ गया है। वहीं इन सभी को मारने वाला और कोई नहीं, डोहुन का जर्मनी वाला फ्रेंड होता है। वहीं डोहुन उसको ढूंढते हुए जाता है, लेकिन डोहुन उसे नहीं पकड़ पाता है। उसके बाद हम डायरेक्टर ओ को देखते हैं, जहां वो जियोल के की हुई वीडियो को देख रही थी, जहां जियोल डोनमिक के साथ फाइट कर रहा था। वहीं डायरेक्टर ओ को डोनमिक का फेस अच्छे से नहीं दिखता है वीडियो में, इसलिए वो उसके फेस को कट करके क्लियर करने के लिए भेजती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोहुन का जर्मनी वाला फ्रेंड उसके घर आता है। वहीं इसका नाम उल्फ है। वहीं वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। वहीं हम डायरेक्टर ओ को देखते हैं, जहां उसे उल्फ का क्लियर फेस वाला फ़ोटो मिल जाता है और वो फ़ोटो डोहुन को भेज देती है। वहीं वो उसे बताने के लिए कॉल भी कर रही थी, तब उल्फ उसका कॉल देख लेता है, लेकिन बाद में डोहुन कॉल रिसीव करता है। तब डायरेक्टर ओ उसे कहती है, हमें डोनमिक का फ़ोटो मिल गया है जो मैंने तुम्हारे मोबाइल में सेंड किया है, तुम देख लेना। जब डोहुन फ़ोटो चेक करता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसका फ्रेंड होता है। वहीं जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो देखता है मिंशो उल्फ के साथ खेल रही थी और वो बहुत खुश थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद हम डोहुन और उल्फ को देखते हैं, वो दोनों बाहर आते हैं, जहां वो उल्फ को बाय करता है और उल्फ वहां से चला जाता है। वहीं हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां डोहुन बहुत सैड था और वो कहीं जा रहा था। तभी घर में जीहून मिरम और वंशे आते हैं और जीहून के पास एक कैमरा था और वो कहता है, मुझे पता चल गया है कि मॉम क्या चाहती थी। उसके बाद हम डोहुन को उसके गाड़ी में देखते हैं, जहां वो जीहून के लाए हुए कैमरा का वीडियो देख रहा था, जहां उसकी मॉम थी। इस वीडियो को देखकर डोहुन रो रहा था। वहीं हम वीडियो में देखते हैं, जहां डोहुन अपने मॉम के गोद में लेटा हुआ था, लेकिन वो नींद में चला जाता है, लेकिन उसकी मॉम को इसके बारे में नहीं पता चलता है। वहीं वो डोहुन से कह रही थी, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो तुम अपने डैड को फिर से शादी करने को कहना। उसके बाद हम देखते हैं उल्फ एक जगह में बैठा हुआ था, वो किसी से मिलने आया था। तभी उसे डोहुन कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव करते ही उसे कोई गोली मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वहीं उसे गोली डोहुन ने नहीं मारा था, एक लड़की ने मारा था। वहीं हम इस लड़की का फेस देखते हैं, ये और कोई नहीं यूरा होती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।